फैक्टेक इज दी मोस्ट सब्सक्राइब्ड फैक्ट चैनल इन इंडिया, लेकिन अभी इनकी हालत इतनी खराब है कि 17.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद उनके वीडियोस पे 5-6 लाख व्यूज भी नहीं आते। इनफैक्ट पिछले एक साल में तो उनके सब्सक्राइबर्स में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है और व्यूज भी मंथ आफ्टर मंथ डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सिर्फ फैक्टेक का चैनल डेड हो रहा है या फिर पूरी फैक्ट कैटेगरी ही डेड हो रही है, क्योंकि कई सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो पहले तो फैक्ट वीडियोस बनाते थे लेकिन अब उन्होंने अपना कंटेंट चेंज करके किसी और कैटेगरी में वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है। जैसे फैक्ट भाई नाम का एक चैनल है जो पहले तो फैक्ट वीडियोस ही बनाते थे लेकिन अब उन्होंने अपना कंटेंट स्विच कर दिया है और अब वो अपने चैनल पे यूट्यूब न्यूज वाले वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फैक्टेक का चैनल अगर डेड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और फिर हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या फैक्ट कैटेगरी डेड हो रही है या सिर्फ कुछ ही ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपना कंटेंट चेंज किया है। नाउ फैक्टेक के डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीजन है इररिलेवेंट कंटेंट। स्टार्टिंग में जब फैक्टेक ने वीडियोस बनाना शुरू किया था तो उस समय के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनके वीडियोस काफी अच्छे होते थे और इसीलिए उनके वीडियोस पे काफी अच्छा रिस्पांस आता था। लेकिन YouTube पे एक अनसेड रूल है कि यहाँ कोई भी कंटेंट 5 साल से ज्यादा नहीं टिकता। मतलब अगर आपने 2018 में YouTube पे वीडियोस बनाना शुरू किया तो 5 सालों के बाद यानी 2023 तक आपका कंटेंट पीक कर जाएगा, यानी उस समय पे आपको सबसे ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होंगे। उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो जाएगा और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, यानी आपके व्यूज कम होने शुरू हो जाएंगे। अब मेजॉरिटी यूट्यूब चैनल्स के साथ ऐसा ही होता है। जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं तो वो है टेक्निकल गुरुजी, माई स्मार्ट सपोर्ट, मोस्टली सेन, मुंबई कर निखिल, और अब आप फैक्टेक का नाम भी उसमें जोड़ सकते हैं। ये सारे क्रिएटर्स कुछ टाइम पहले तक बहुत फेमस थे, इनके वीडियोस पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता था, लेकिन धीरे धीरे इनके व्यूज भी स्टैग्नेंट हो गए और फिर डिक्लाइन होने शुरू हो गए। अब कंटेंट इररिलेवेंट होने के मेनली 2 रीजंस होते हैं। पहला, YouTube पे हमेशा नए क्रिएटर्स नए आइडियाज और बेटर कंटेंट लेके आते हैं तो ऑडियंस पुराने क्रिएटर्स के वीडियोस को देखना कम कर देती है, उसकी जगह पे वो नए क्रिएटर्स के अच्छे कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। दूसरा कि क्रिएटर्स जब एक ही टाइप का कंटेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक बनाते हैं तो कुछ समय के बाद उनको ना तो अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं और ना ही उनको वीडियोस बनाने का उस तरीके का पैशन रहता है जैसा वो स्टार्टिंग में हुआ करता था। इसीलिए उनके कंटेंट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती जैसी स्टार्टिंग में हुआ करती थी। तो ऐसे कुछ ही क्रिएटर्स होते हैं जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, रेलेवेंट रह सकते हैं। मेजोरिटी क्रिएटर्स ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते एंड दैट्स व्हाई दे बिकम इररिलेवेंट। जैसे अगर फैक्टेक का ही एग्जांपल लें तो उन्होंने अपने कंटेंट में हार्डली कोई चेंजेस किए हैं। इनके पहले के और अभी के थंबनेल्स में आपको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। सेम विद द वीडियो टाइटल, ये जैसे टाइटल्स पहले यूज करते थे वैसे ही टाइटल्स अभी भी यूज करते हैं। जबकि अभी अगर कोई नया बंदा YouTube चैनल स्टार्ट भी करता है तो उसको कुछ बेसिक चीजें तो पता होती हैं, जैसे थंबनेल हाईली क्लिकेबल और अट्रैक्टिव बनाना है, वीडियो का टाइटल SEO फ्रेंडली होना चाहिए, उसमें कीवर्ड्स यूज करने चाहिए, टाइटल का लेंथ शॉर्ट रखना चाहिए, इसके अलावा ऑडियो क्वालिटी अच्छी रखनी है क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह की बेसिक नॉलेज किसी भी यूट्यूबर को YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले आज के टाइम पे ऑलरेडी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स फैक्ट नाम का एक और YouTube चैनल है जो अपने चैनल पे फैक्ट वीडियोस ही बनाता है, लेकिन उसका थंबनेल, टाइटल, वीडियो प्रेजेंटेशन, ऑडियो, ये सब कुछ आपको अप टू द मार्क मिलेगा। यानी अभी के टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट लोग आज एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे ही क्वालिटी आपको इसके चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और इसीलिए फैक्टेक से बहुत कम सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद इनके वीडियोस पे उनके बराबर या कई बार उनसे ज्यादा व्यूज भी आते हैं। अब फैक्टेक का कंटेंट जब इररिलेवेंट होने लग गया था तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें ताकि वो अपने चैनल को वापस से रिवाइव कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपेरिमेंट्स बैकफायर कर गए। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने टेक्नोलॉजी फैक्ट वीडियोस बनाना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ फैक्ट्स बताना शुरू कर दिया, फिर कुछ हॉरर स्टोरीज पे भी वीडियोस बनाई और इसकी वजह से उनका चैनल काफी बूस्ट भी हो गया था और उनके वीडियोस पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब उनके वीडियोस पे व्यूज आना कम हो गए तो उन्होंने अपने कंटेंट में एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करे। जैसे उन्होंने कुछ ब्लॉग्स अपलोड करे, फिर न्यूज वीडियोस अपलोड करी, साथ में स्टॉक मार्केट पे भी कुछ वीडियोस अपलोड करे। तो ये सारा जो कंटेंट था ये उनके एक्चुअल मेनस्ट्रीम कंटेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट था और इस वजह से इन वीडियोस पे उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। और अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर आपने किसी चैनल को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है और वहां पे आपको कुछ अलग ही टाइप का कंटेंट मिलेगा तो डेफिनेट सी बात है कि आप उस चैनल को नहीं चेकआउट करेंगे, उनके वीडियोस नहीं देखेंगे। और इसीलिए
लिए फैक्ट टेक के कंटेंट में एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से भी काफी सारी ऑडियंस ने उनके वीडियोस देखना बंद कर दिया। अब यहीं पे फैक्ट टेक से एक और मिस्टेक क्या हो गई कि वो बहुत कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करने लग गए। जैसे पहले वो एक वीडियो अपलोड करने के बाद काफी टाइम लेते थे दूसरी वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन रिसेंटली उन्होंने रेगुलर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अब नॉर्मली कंसिस्टेंसी तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन काफी सारे क्रिएटर्स के लिए एक बैड स्ट्रेटजी है। जैसे आशीष चंचलानी, अमित भड़ाना, कैरी मिनाटी, ये सारे लोग अगर बहुत रेगुलर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए तो इनके वीडियोस पे जो रिस्पांस आता है, जितने व्यूज आते हैं, वो भी काफी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर जाएंगे। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपके कॉन्टेंट के इररिलेवेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी आसान भाषा में उस पे व्यूज कम होने शुरू हो जाते हैं। अब नॉर्मली फैक्ट क्रिएटर्स का कंटेंट बहुत जल्दी इररिलेवेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसे अगर कोई भी नया क्रिएटर YouTube चैनल स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में फर्स्ट या सेकंड थॉट फैक्ट चैनल बनाना ही होता है। इनफैक्ट मैंने भी स्टार्टिंग में एक फैक्ट चैनल ही बनाया था, लेकिन उसपे सिर्फ एक वीडियो बनाने के बाद मैंने उसको अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। अब लोग फैक्ट चैनल्स इतना ज्यादा इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक तो इसमें ऑडियंस बहुत ज्यादा है तो कंटेंट पे व्यूज आने के चांसेस ज्यादा है, और दूसरा फैक्ट चैनल्स बनाने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ना आपको स्टूडियोज की जरूरत है, ना बहुत अच्छे वीडियो कैमराज की जरूरत है। आप लिटरली अपने फोन से बहुत अच्छे यूट्यूब वीडियोज बना सकते हैं, और इसीलिए बहुत सारे क्रिएटर्स इस कैटेगरी में वीडियोस बनाते हैं। नाउ द लास्ट रीजन कि वाई फैक्ट टेक और एनी क्रिएटर फॉर दैट मैटर वो इररिलेवेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ऑडियंस उनके कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं रहती है। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप आज से 5 साल पहले जिन क्रिएटर्स को देखते थे उनमें से कितने क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको आज भी आप देखते हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि बहुत कम ऐसे क्रिएटर्स होंगे जिनको आप 5 साल पहले भी देखते थे और आज भी उनका कॉन्टेंट आपको पसंद आता है। तो फैक्ट टेक के डिक्लाइन में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कुछ टाइम पहले तक काफी सारी ऑडियंस इनके कंटेंट में इंटरेस्टेड थी, लेकिन अब ज्यादा लोगों को इनका कंटेंट पसंद नहीं आता। अब अगर फैक्ट टेक चाहे तो अपने रिसोर्सेज और अपना यूट्यूब एक्सपीरियंस यूज करके बहुत आसानी से अपने कंटेंट में चेंजेस कर सकते हैं और वापस से अपने चैनल पे जैसे पहले उनके व्यूज आ रहे थे, इवन कि उससे ज्यादा व्यूज भी गेन कर सकते हैं। नाउ मैंने आपसे एक सवाल स्टार्टिंग में और पूछा था कि क्या फैक्ट कैटेगरी इरेलेवेंट हो जाएगी या डेड हो जाएगी आने वाले टाइम में, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। फैक्ट एज अ कैटेगरी कभी डेड नहीं होगी। तो अगर आप फैक्ट कैटेगरी में एक चैनल ओपन करके वीडियोस बनाना चाहते हैं तो बस आप कंटेंट को थोड़ा सा अलग बनाइएगा और आपको बहुत ज्यादा व्यूज उस पे भी आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट 97-98% क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनका चैनल कभी इतना भी ग्रो नहीं कर पाता कि वो अपने चैनल को मोनेटाइज कर सके, और इसके पीछे कुछ बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो लोग अनजाने में करते हैं, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।